पिछले कुछ समय से हमने समय यात्रा के संबंध में बहुत सी कहानियां सुनी हैं। कई स्वघोषित समय यात्रियों ने दावा किया है कि वे भविष्य से आए हैं और तीसरा विश्व युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग और यहां तक कि एलियन अटैक जैसी चेतावनियां दी हैं। अब खुद को टाइम ट्रेवलर बताने वाली एक अन्य महिला ने दावा किया है कि उन्होंने साल 3800 तक का सफर तय किया और टाइम मशीन की मदद से उस समय में जाकर वापस आई हैं। वो एक तस्वीर भी दिखाती हैं जिसका दावा है कि उसने 3800 में क्लिक किया था। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस महिला द्वारा शेयर किए गए उस भविष्य के पिक्चर को। एक YouTube वीडियो में महिला अपने समय यात्रा के अनुभव के बारे में बात कर रही है। उसका चेहरा धुंधला कर दिया गया है और आवाज बदल दी गई है। वो कहती है कि वो अल्बानिया से है और अलेक्जेंडर कोजलोव नाम के एक बेलारूसी साइंटिस्ट द्वारा इन्वेंटेड टाइम मशीन की मदद से साल 3800 तक की यात्रा की है। वीडियो में वो औरत अपना नाम बेला बताती है और कहती है कि मैंने शरीर में एक बहुत तेज करंट वोल्टेज महसूस किया, मेरी आंखों में और मेरे चारों ओर सब कुछ काला था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं ये सोच रही थी कि मैं उस दुनिया में पहुंच जाऊंगी जहां सुंदर हरे भरे पेड़ होंगे, आसमान में उड़ने वाली कारें होंगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होंगी, लेकिन मैंने खंडहर इमारतों, लोगों की लाशें, नष्ट किए गए गैजेट्स, रोबोट्स, एक वीरान से दुनिया को देखा। उस मूर्ख व्यक्ति ने मुझे भयानक समय में भेज दिया था, बहुत ही भयानक समय। ये बहुत ही बदसूरत और भयानक जगह थी। बेला उस तस्वीर को दिखाती हैं जिसे उसने 3800 में क्लिक करने का दावा किया है। दूरी में कुछ फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली संरचनाओं और रोशनी के बैकग्राउंड के ऑपोजिट खड़ी एक महिला की ठुड्डी और होंठ दिखाई दे रही है। बेला ने इस बारे में भी बात की कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमेनॉइड रोबोट्स भविष्य में ग्रह पर राज करेंगे। उसने एक किलर रोबोट मशीन से मिलने का दावा किया और कहा कि एक रोबोट इतना भयानक था, वो मेटल से बना हुआ था और उसकी मुट्ठी सिलिकॉन से बनी थी। उसके चेहरे पर हाव भाव थे। मैं चाहती हूं कि आप एक धातु के आदमी की कल्पना करें, दया की भावना के बिना अविश्वसनीय रूप से मजबूत। उसने गुस्से भरे स्वर में मुझसे पूछा कि मैं कहां से हूं। मैं चुप रही। बेला ने यह भी दावा किया कि उस गुप्त समय यात्रा तकनीक को एक दशक पहले बनाया गया था। इस बारे में बात करते हुए कि उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बोला, बेला ने कहा कि मैंने कहानी को प्रेस और टीवी पर ले जाने पर विचार करने का सोचा था, लेकिन उसे लगा कि अपनी चुप्पी तोड़ने के बावजूद भी कुछ भी नहीं बदला जा सकेगा, हालांकि ये सारी बातें धोखा होने की अधिक संभावना है। एक्सप्रेस यूके के अनुसार जब तक मिस्टर कोजलो फिजिक्स के नियमों को फिर से लिखने का तरीका नहीं खोज लेते, वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि समय के माध्यम से यात्रा करने का कोई ज्ञात तरीका नहीं है। मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम हिस्कॉक के अनुसार मनुष्य के पास समय और स्थान के माध्यम से सफलतापूर्वक पीछे की ओर बढ़ने की तकनीक नहीं है। विज्ञान ने भी हमें ये बताया है कि पास्ट में समय यात्रा, जो लोग आम तौर पर समय यात्रा के बारे में बात करते हैं, असल में ये संभव नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि साइंस की मदद से कभी समय में आगे या पीछे जा सकेंगे या ये महज साइंस की एक थ्योरी ही बनकर रह जाएगी जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर शेयर करें।